ब्लॉगर बोल रहे हैं। हाँ ब्लॉगर आप भी हो, अच्छी बात है, ब्लॉगर उन्होंने भी है कहते। हाय गाइस, तो इधर में दोस्तों आप आ सकते हो, गुस्से वाला आदमी है तो इधर में ठंडा मिजाज कर सकते हो, अगर इधर है तो ठंडा रहेगा। हरा भरा है दोस्तों इधर जो कि नज़ारा। दोस्तों मैं फाइनली अंदर में आया हूँ उस्मान सागर के अंदर में, जो कि आपको दिखा रहा हूँ इधर सब कुछ, इधर का पार्किंग है। इधर में आ गया तो इधर में आप रह सकते हो, घूम सकते हो आराम से। इस पार्क में आपको शांति फील होगा दोस्तों, आप पर जो गुस्से वाला आदमी होगा ना आराम से इधर आके बैठ जाना, उसको शांति लगेगा। यानी जो गुस्से वाला आदमी जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो आराम से इधर आके उस साइड में बैठ जाना, आराम से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, उसका जो गुस्से का माइंड रहेगा वो शांत हो जाएगा। क्योंकि ये जो पार्क ही है ना, हरा भरा पार्क है, यानी जबरदस्त पार्क है, हरा भरा है ना, थोड़ा सा फील अच्छा आता है जबकि हरा भरा आता है। जो पार्क अगर हरा भरा हो कितना अच्छा लगेगा, तो सोचो आप सोच ही सकते हो। तो बस अपना काम है कि थोड़ा बहुत इंजॉय करना है और दिखाना है, इधर से दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लेना जो भी लिखा है उसमें, पढ़ लेना। इधर बैठना है तो आराम से इधर भी बैठ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और आगे क्या है अभी नज़ारा दिखाते हैं। तो फिलहाल हम उधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे। ब्लॉगर बोल रहे हैं, तो इधर से अभी दिखाता हूँ आपको दोस्तों। इधर में थोड़ा सा हरा भरा फील होगा, क्या बोलते हैं। हाँ ब्लॉगर आप भी हो, अच्छी बात है, ब्लॉगर उन्होंने भी है कहते। हाय गाइस, तो इधर में दोस्तों आप आ सकते हो, गुस्से वाला आदमी है तो इधर में ठंडा मिजाज कर सकते हो, अगर इधर है तो ठंडा रहेगा। हरा भरा है दोस्तों इधर जो कि नज़ारा है, बिल्कुल नज़ारा। तो गाइस आप आके इधर से इंजॉय कर सकते हो, जो कि आपको एकदम अच्छा फील होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, एडवेंचर बैठने का, बैठ के सुकून से मज़ा कुछ अलग है। तो बैठ के थोड़ा सा मोबाइल चलाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ब्लॉग हो गया है, सोच रहा हूँ चलो बैठ के। छः बज गया दोस्तों, अभी 6 बजे शायद क्लोज हो जाता होगा, अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो ठीक है अभी और दिखाते हैं, अभी जब तक क्लोज नहीं होता है जब तक दिखाते हैं। कुछ जबरदस्त टूटू बोलना जा रहे हैं, छोटू को तो एंजॉय कर रहे हैं। इधर से बांध के रख दिया, इसके उधर नहीं जा सकते हो, बांध के रख दिया है वो। आराम से इधर बैठ के एंजॉय कर सकते हो, एकदम फुल रिलैक्स मिलने वाला आपको। तो इधर बैठ के आराम से एंजॉय करना और मस्ती में रहना। और अंदर आने के बाद कुछ ऐसा सीन, यहाँ से कुछ दर्शन देख सकते हो, इधर का कुछ सीन ऐसा रहेगा दोस्तों, जो कि जबरदस्त सीन है, नज़ारे हैं पूरा खतरनाक नज़ारे हैं। यहाँ से व्यू, इधर का व्यू तो कुछ मज़ा आ रहा है, इधर का व्यू देखने में, इधर का व्यू, इधर का। ये मैं एक्टिवा में दौड़ा रहा हूँ, तो अंदर तक ला सकते हो गाड़ी, ऐसा कोई बात नहीं है। अंदर में भी पार्क होगा शायद। तो गाइस ये आप देख रहे हो उस्मान सागर, जो कि उस्मान सागर के मैं अभी अंदर में हूँ, गांधी पेट में पड़ता है दोस्तों ये उस्मान सागर। कुछ जबरदस्त नज़ारे के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर से वो, कुछ जबरदस्त कितना व्यू है, इधर का नज़ारा है कितना जबरदस्त है। तो ये है बांध है, क्योंकि ये कुछ अर्थ काफ़ी बड़ी है। तो इधर से देखो कितना बड़ा सा है, गाइस अंदर आते
आपको ये चीज़ दिखेगा ही, मैं इसको अच्छा से मैं आपको कवर कर लेता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ अच्छा से दिखने को अच्छा से इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस तो ये मैं आया था, ये गांधी पेट में आया था दोस्तों। देखिए आपको यहाँ से मैं अच्छी से नज़ारा ऐसे दिखा रहा हूँ दोस्तों कि ताकि आपको ब्यूटीफुल यानी अच्छा महसूस हो और अच्छा लगे आपको देखने में। तो ये कुछ नज़ारा थे जो कि यहाँ पे दिखाया, जितना ज़बरदस्त ब्यूटीफुल पार्क है दोस्तों गांधी पेट में है, क्योंकि आपको 50 रुपये टिकट लगेगा, 50 रुपीज़ टिकट कटा के इसे आ जाना। और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये गेट है जो कि वहाँ से लोग उधर फोटो खिंचा रहे हैं, पीछे देखो तो पीछे से कुछ उसका गेट है, तो यानी पीछे तरफ से आप आना। ये इधर फ्रंट है, उधर वो फ्रंट है, ये पीछे है, यानी ये इधर बाइक पार्किंग है, पार्किंग एरिया ये है, और वहाँ से उधर से यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बारिश होने वाला है तो मैं भी सोचता हूँ चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करना। अंदर आने के साथ आपको ये फर्स्ट ये मिलेगा कि जो कि आपको इंटरव्यू होते के साथ ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दो चार वो फोटो वोटो ही लेना दोस्तों, उसके बाद अंदर जाना और एंजॉय करना। तो यहाँ का जबरदस्त नज़ारे दिखा सकता हूँ जो कि अंदर आने के बाद के नज़ारे हैं। तो गांधी पेट में आप एंट्री लोगे दोस्तों, तो इसी रास्ते से एंट्री लोगे और इस रास्ते से आप आओगे, और इधर से मैं ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, जितना ज़बरदस्त नज़ारा है, ब्यूटीफुल नज़ारा, यानी आप ये पार्क बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको एक बार आना चाहिए। ये सागर के पास है ना दोस्तों, ये गांधी पेट लाइक ही है, यानी उस्मान सागर, यानी बहुत बड़ी सागर है, यानी बहुत बड़ी, इतना बड़ी मत पूछो। यहाँ पर जाली लगाया है, पता नहीं जाली क्यों लगाया है, ताकि उस तरफ आदमी कोई जा ना पाए, मैंने उस तरफ गया था गिर उठ जाएगा दोस्तों, इसलिए इधर जाली लगा दिया है। तो फिलहाल इधर से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इधर से कुछ नज़ारे ब्यूटीफुल नज़ारे वैसे कैसे होने वाले हैं। जैसे कुछ सिटी है जो कि देख सकते हो, इधर का कुछ सिटी का नज़ारे है जो कि आप मज़ा आएगा। गाइस तो फाइनली ये पार्क जो है, अब ये पार्क से मैं इंडी लेने वाला हूँ, यानी जाने वाला हूँ, यहाँ से इंडी करने वाला हूँ दोस्तों। जितने घूमना था मैंने घूम लिया, तो इधर से मैं फाइनली आपको दिखा सकता हूँ कुछ नज़ारे इधर के, इधर का कुछ नज़ारे इस तरह से ऐसे।